की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरी अयोध्या राममय होती जा रही है। नए साल के पहले महीने यानी कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है और इस प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम मंदिर के मॉडल की डिमांड और बढ़ गई है। राम मंदिर मॉडल का निर्माण करने वाली फैक्ट्री में लगातार हर साइज के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। लकड़ी से तैयार हो रहे राम मंदिर के मॉडल की मांग विदेशों से भी अब की जाने लगी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में तैयार हो रहे हैं राम मंदिर के मॉडल। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ी राम मंदिर मॉडल की मांग। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने लगे ऑर्डर। राम मंदिर का ऐसा मॉडल कि मन ही मोह ले, एक दो नहीं हजारों की संख्या में लकड़ी से तैयार हो रहे हैं राम मंदिर के ये मॉडल। अयोध्या के शहादतगंज की इस फैक्ट्री में भगवान राम के मंदिर का मॉडल तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि मंदिर के इन मॉडलों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। राम मंदिर मॉडल की धूम। जी हां, अयोध्या की एक ऐसी फैक्ट्री, यहां से राम मंदिर मॉडल की सप्लाई देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। देश के कोने कोने में यहाँ से सप्लाई हो रही है और खास करके अयोध्या की तमाम ऐसी दुकानें जहाँ पर इसी जगह से मॉडल की सप्लाई की जा रही है, यहाँ पर महिलाएं भी काम कर रही हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर दिन में कई ऐसे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। 6-7 कैटेगरी के मॉडल हैं, यानी कि छोटे साइज के भी हैं, बड़े साइज के भी हैं। देखिए महिलाएँ यहाँ पर काम कर रही हैं और जब से राम मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा हुई है उसके बाद से डिमांड यहाँ से ज़्यादा हो गई है। तो आगे की भी तस्वीरें दिखाएं कि छोटे भी मॉडल हैं और बड़े साइज के भी मॉडल हैं। कई ऐसे मॉडल हैं जो डिमांड के अनुसार साइज छोटा या बड़ा तैयार किया जाता है। कई ऐसे मॉडल हैं जो करीब 5 फुट या 6 फुट की ऊंचाई वाले भी मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, और आजकल लोग गिफ्ट में इस तरीके के मॉडल देना पसंद कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में लेजर कटिंग के जरिए राम मंदिर के डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। मंदिरों को भेंट के रूप में लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। अयोध्या में इन दिनों इस तरह के राम मंदिर के मॉडल की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है और खास करके लोग घरों में रख रहे हैं और बहुत सारे लोग गिफ्ट के तौर पर भी खरीद रहे हैं, दुकानों पर पहुंच रहे हैं और दुकानों में इसका स्टॉक भी बहुत ज्यादा रखा जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बड़ी है। लोग यहाँ पर खरीदने के लिए भी आए हैं। सर, जो मॉडल आप देख रहे हैं, घर में रखने के लिए या गिफ्ट के तौर पर देखने के लिए? ऑलरेडी मैंने घर पे रखा है। हाँ। और बस हमारे दोस्त लोग आने वाले हैं तो उनके लिए गिफ्ट के लिए भी ले रहे हैं। राम मंदिर के ये मॉडल इतने खूबसूरत हैं कि इसकी डिमांड सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाने लगी है। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या सिर्फ अयोध्या से ही डिमांड है या अयोध्या के बाहर से भी डिमांड है? नहीं नहीं, अयोध्या से बाहर भी डिमांड है इसकी। इंडिया के अंदर में हमें हर एक स्टेट से अपने डिमांड आते रहते हैं और साथ ही यहाँ से ये जो
है ही है इंडिया से, हमारे पास अमेरिका से भी डिमांड आया है। अमेरिका से? तो अमेरिका में मतलब कितना डिमांड आया है, कॉस्ट अगर बात करें कितनी कीमत के? कास्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी वही लगभग जो है 70-80 हजार 90 हजार तक जो है उनका डिमांड है मंदिर का, बड़े साइज की मंदिर है। जी जी, तो वो उसकी तैयारी चल रही है? हाँ, उसकी तैयारी भी जो है अभी चल रही है। हाँ। अभी थोड़ा सा शिपिंग के लिए वो प्लान बना रहे हैं किस तरह से हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे। फैक्ट्री के ओनर के मुताबिक ऑर्डर इतना बढ़ गया है कि सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। जब से राम मंदिर मॉडल की तस्वीरें सामने आई, उसको तय किया गया कि किस तरीके का राम मंदिर मॉडल और राम मंदिर कैसा तैयार होगा, उसके बाद से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी। क्योंकि फैक्ट्री मालिक को इस तरीके का पहले से ही इनको अंदाजा था कि इसकी डिमांड आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होगी, लोग इसको खरीदेंगे, पसंद करेंगे, घरों में रखेंगे। और ये देखिए कि यहाँ पर फैक्ट्री पूरी बाकायदा लगाई गई है, यहाँ पर नक्काशी, यहाँ पर डिजाइन तैयार की जा रही है, बारीकी से, छोटी छोटी बारीकी से यहाँ पर तैयार की जा रही है। मैनुअल भी है और इसके अलावा मशीन से भी मंदिर मॉडल तैयार किया जा रहा है। ये देखिए बड़े साइज का ये मॉडल है, यहाँ पर देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या ये लिखा हुआ है। काफी बड़ा साइज का मॉडल इस जगह पर तैयार किया जा रहा है। जब से मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान हुआ है उसके बाद से मंदिर के मॉडल की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है। इस मॉडल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिक्री हो रही है। यहाँ छोटे बड़े 6 तरह के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। हाल में 1 लाख रुपए तक का मॉडल बिक चुका है जो 8 फुट का है। ये साइज जो है डिमांड के अनुसार हम बनाते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि जब हमारे पास साइज जो रहती है, हमने लेवल साइज रखी है कि वो साइज में हम जो है बना के रखते हैं, लेकिन हाँ। जब उससे बड़ी साइज बनती है तो उसको हम जो है बनाते हैं। अच्छा, ज्यादातर किस साइज के सबसे ज्यादा डिमांड होती है? ज्यादातर मेरे पास से 1.5 फीट बाई 1 फीट का जो है। अच्छा। ज्यादा डिमांड है। इसके बाद फिर 1 फीट बाई आधे मतलब 10 इंच की जो है इसकी ज्यादा डिमांड है। और अगर हम बात करें कि अभी तक आपकी फैक्ट्री से इस जगह से सबसे बड़े साइज का जो मॉडल है वो क्या, उसकी साइज क्या रही होगी? जो सबसे बड़े साइज की हमारी गई थी हैदराबाद में, ये जो है 8 फीट बाई 4 फीट की साइज में गई थी। राम मंदिर के मॉडल बनाने वाले कारीगरों में हर राज्यों और हर धर्म के लोग शामिल हैं। राम मंदिर के ये खूबसूरत मॉडल 250 रुपए से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक के हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे छोटी जो मंदिर है वो हमारे पास 250 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा। और सबसे बड़ा? और सबसे बड़ा हमारे पास जो 10,000 तक अवेलेबल रहता है ये। अच्छा। उसके बाद जो आपने भी देखा बड़ी साइज का, फिर वो ऑन डिमांड जो है हम बनाते हैं। जैसे वो तो वो और भी ज्यादा कीमत है। उसकी कीमत जो है कम 25,000 रुपए। 25,000 जी। और सबसे बड़े मॉडल कितना? वो 70-80 हजार में चले जाते हैं, पैकिंग के साथ वो करीब जो है 10-12 हजार रुपए पैकिंग, लाख रुपए तक पहुँच। जी जी जी। इस फैक्ट्री में सिर्फ मांग के मुताबिक ही मंदिर के मॉडल तैयार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि छोटी साइज के भी कई मॉडल बनाकर रखे जा रहे हैं और इन्हें दुकानदार काफी संख्या में खरीद भी रहे हैं। देश के कौन सा ऐसा कोना है जहां से सबसे ज्यादा इसकी मांग चल रही है? इस समय तो राजस्थान मतलब जयपुर से इसकी ज्यादा है। अच्छा। इसके बाद हमारे सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे जो है साउथ का एरिया है। अच्छा। साउथ से भी राजस्थान यानी जयपुर, महाराष्ट्र और साउथ का इलाका। साउथ का इलाका। अच्छा जी। और अयोध्या के आसपास का? नहीं, अयोध्या में मैं एक्चुअली मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैन्युफैक्चरर होने के नाते हमारे पास यहाँ पे लोकल जितने भी रिटेलर हैं वो हमसे ले जाते हैं। अच्छा जी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। प्रभु राम के विराजमान होने को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्री राम महापर्व जारी है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में भले ही अभी भी वक्त है, लेकिन अयोध्या में भक्त इस शुभ घड़ी को बहुत ही भव्य बनाने में जुटे हुए हैं।
भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में राम कथा की धुन अभी से गूंज रही है, लेकिन सबसे बड़ी कथा जगत गुरु राम भद्राचार्य की हो सकती है और उसी की तैयारी भी जोरों पर है। राम मंदिर की तर्ज पर मंडप बनाया जा रहा है। लकड़ी से मंदिर का मॉडल तैयार किया गया है। पूरी अयोध्या नगरी भगवान राम के मंदिर में विराजने का इंतजार कर रही है। राम भक्त अभी से राम धुन में रम चुके हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की कथा के लिए ही जानी जाती है, लेकिन जब राम के अनन्य भक्त जगत गुरु राम भद्राचार्य की कथा होनी हो तो अयोध्या नगरी राम की भक्ति में और ज्यादा डूब जाती है और इसीलिए इस राम कथा की तैयारी जी जान से की जा रही है। मैं तो देख रहा हूँ कि ये उतना ही सुखद होगा जितना सुखद त्रेता में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आगमन पर अयोध्या वासियों को सुख मिला था। मैं तो यही कहूंगा कि भरत जी को ग्लानि थी कि प्रभु के ही कहूं काज न आयो, पर मुझको ग्लानि नहीं है क्योंकि मेरी प्रतिभा भगवान राम के काम में आई। मैं बहुत प्रसन्न हूं। केंद्र सरकार की भूमिका तो वही है, कोर्ट का निर्णय हुआ, हमारी गवाही हुई और केंद्र सरकार ने हमारी सहायता की। तीनों जब नियम है ना बेटी, जब त्रिवेणी तीन नदियां जब मिलती तभी तो प्रयाग बनता है। हम अल्फाबेटली काम करेंगे, अ का म, पहले अयोध्या फिर काशी फिर मथुरा। खास बात यह है कि यह कथा जगत गुरु राम भद्राचार्य के जन्मदिन के मौके पर 14 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगी और मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान होंगे और इसी दौरान अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को जगत गुरु राम भद्राचार्य की कथा को सुनने का मौका मिलेगा। ये राम मंदिर का मॉडल के साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम स्थल को एक भव्य स्वरूप देने को, इस कार्यक्रम स्थल को राममय बनाने के लिए एक गैलरी डिजाइन की जा रही है। गेट से घुसते ही जो राम कथा की व्याख्या करेगी, राम कथाओं की व्याख्या करेगी मूर्तियों के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से, उस गैलरी के बाद एक राम चौराहा बनेगा जिस चौराहे पे माता सीता राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। राम कथा में देश और दुनिया के राम भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भगवान राम के भव्य मंदिर की झांकी देख सकेंगे, उसके मॉडल को निहार सकेंगे। मंदिर के मॉडल को लकड़ी से तैयार किया गया जिसे कथा के दौरान भक्तों के सामने रखा जाएगा ताकि वो अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो सकें।